आज नेपाल से एक बेहद दुखद घटना सामने आई। आज सुबह 11 बजे यहां पर यानी कि काठमांडू में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। हम आपको बताते, सूर्या एयरलाइंस की एक विमान थी जो कि काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रही थी, जिसमें 19 लोग सवार थे, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा किस तरीके से हुआ ये हम आपको बताते हैं। जैसे ही काठमांडू एयरपोर्ट यानी कि त्रिभुवन एयरपोर्ट से ये विमान टेक ऑफ इसने किया है, वैसे ही कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ये तेजी से नीचे आया है और उसके बाद जमीन से टकराते हुए इसमें एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद इसमें आग लग गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि इस प्लेन का पायलट था, उनकी हालत गंभीर है, जिनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जो चश्मदीद थे वो भी बता रहे थे किस तरह से यह हादसा हुआ। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ इसने किया है, कुछ ही दूर पे जाने के बाद पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद ये ठीक नीचे आई है और उसमें ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है कि यह दुर्घटना कैसे हुई है, लेकिन जो इस प्लेन में सवार लोग थे उसमें से बताया जा रहा है कि जो 17 थे वो सूर्या एयरलाइंस के स्टाफ थे, 2 क्रू मेंबर थे जो इस प्लेन में थे। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अगर 2023 की बात की जाए तो जनवरी का महीना था जब काठमांडू से पोखरा की तरफ यति एयरलाइंस का विमान जा रहा था, 280 किलोमीटर की दूरी पर ये पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है तब इसमें 68 लोग मारे गए थे। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। आखिर क्या वजह है कि काठमांडू से पोखरा जाने के रास्ते में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लापरवाही कहां हुई है, कैसे हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन देखना होगा नेपाल सरकार को भी कि आखिर कहां दिक्कत आती है, क्या जो एयरलाइंस इस वक्त नेपाल में है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, प्लेन का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रहा है और हर साल इस तरह की घटना सामने आ रही है, ये एक जांच का विषय है।